जाओ आराम से, ठीक है। अब ये सही आ रहे हैं मैं भी ठीक। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई हिमांशु, आप बहुत बहुत बधाई भाई। धन्यवाद बहुत बहुत भाई। इंडिया कैंप में सिलेक्शन है भाई, और यार कैसे बोलूँ यार, थोड़ा चिल्ली हो जाए, कुछ खाना वाना तूने? नहीं नहीं कुछ नहीं, खा क्या कर। पक्का कोई चक्कर नहीं। अच्छा भाई तुम्हें पहले ये बताओ कि मतलब गेम की स्टार्ट, मतलब गेम की शुरुआत कैसे हुई वॉलीबॉल की? शुरुआत हुई, मैंने स्कूल चेंज किया था अपना, तो कुछ गाँव पढ़ते थे लिबरेटी, उसके लड़के थे रजत वगैरह, और तो इन्होंने मेरे को खेलना शुरू किया। हाइट मेरी ज़्यादा थी शुरू से ही, तो 6'2" के करीब हाइट थी उस टाइम मेरी, तो उन्होंने मेरे को कहा तू खेला कर। तो मैं ऐसे ही मैं शूटिंग वाला गेम खेल रहा था, क्रॉस वाला। तो उसके बाद मैंने एक साल मैंने खेला थोड़ा बहुत, हम स्कूल टूर्नामेंट खेले स्कूल वाले, जो CSC सेंट मार्क्स और ABN वगैरह होते थे, हाँ मतलब सारे स्कूल जितने रुड़की में स्कूल के उनका था। तो मैं थोड़ा अच्छा खेल गया, तो फिर मैंने मेरे को इंटरेस्ट हो गया खेलने में, फिर मैं धीरे खेला। तो फिर एक बार टाइम आया कि चलो छोड़ो, खेलते नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया। एक साल के बाद फिर से, एक होता ना कीड़ा अंदर होता है जो, वो फिर से हुआ कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं, फिर खेलना शुरू किया। फिर 2014 में मेरे को यूथ इंडिया का कैंप मिला, तो उसमें कैंप किया मैंने, तो फिर और इंटरेस्ट हुआ कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। फिर 17 में मैं एक बार कैंप के लिए गया, फिर कैंप ही रह गया। फिर 18 में मैं ONGC के साथ मैच थे एक दो जगह, तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उसके बाद ONGC ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 साल के लिए। एक साल के बाद ONGC शिफ्ट हो गई गुवाहाटी, तो फिर मैं इधर ही रह गया। फिर 19 में मेरा 23 का कैंप लगा, उसमें टूर गया, उसमें हमारा भगवान ने अच्छा किया कि सिल्वर मेडल आया अपना। तो उसके बाद तुरंत मेरे से नेवी सीनियर नेशनल गया मैं फिर से दोबारा, तो नेवी के कोच आए हुए थे वहाँ, तो उन्होंने बोला कि जॉब करनी है ये सब, तो उन्होंने मैंने कहा ठीक है सर करेंगे। मैं और सकलैन मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है वॉर में, तो हमने ज्वाइन करने की बात हुई 2020 में पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर एक साल पूरा लॉकडाउन रहा, उसके बाद घर पे रहे। उसके ठीक अब 16 फरवरी को उन्होंने, 16 को नहीं, अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ट्रायल थी 7 फरवरी को, और तो कोच साहब ने बोला कि हमारी इंटर सर्विसेज की वो है 17 तारीख को, तो उन्होंने कहा ज्वाइन करना है अभी, तो हमने कहा ठीक है सर कर लेंगे। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ट्रायल में, कहा ट्रायल दे के आऊँगा सर मैं, तो मैं 7:10 को ट्रायल दी, 10 में निकल गया फ्लाइट से अपना, फ्लाइट भी मिस कर दी मैंने उसके दौरान एक अपनी जल्दी में। तो फिर 15 में गए, तो 16 में ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करते ही इंटर सर्विसेज खेलाते 17 तारीख में मेरे सकलैन, और 6 साल के बाद नेवी जीत भी गई, वो किस्मत अच्छी थी हमारी, तो नेवी जीत गई, फिर सीनियर नेशनल में सिलेक्शन हो गया सर्विसेज से ही, बस तो ऐसे करके आज तक की स्टोरी। देखो भाई पता क्या चीज़ है, ऐसे बोलने में ना, मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे बोलने में लग रहा है कि भाई मतलब जर्नी कितनी सिंपल रही होगी, ये बोलने में ही लगता है खाली, बीच में अभी इंजरी नहीं बताई किस टाइम क्या शोल्डर पेन हुआ, क्या डिस्क स्लिप हुई, सब चीज़ ये नहीं आता ना जर्नी में, ये लोगों को नहीं पता चलता, ये सिर्फ खिलाड़ी को पता चलता है कि उसने कैसे किया रिकवर। बिल्कुल मतलब जैसे बोलने में ऐसा लगता है कि भाई एक साल ये खेला, अगले साल कैंप मिलेगा, खेलने वाले इतने सारे हैं, मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो इंडिया रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं भाई, सपना होता है सब। बिल्कुल। अच्छा भाई मतलब जब आपने गेम स्टार्ट करा तो कभी ऐसा सोचा कि भाई इस लेवल तक मैं खेल पाऊंगा, या मतलब स्टार्टिंग तो नहीं था, स्टार्टिंग था कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए बस, नेशनल वगैरह खेल ले इंडिया, तो स्टार्ट सोचते तो सब यहाँ कि इंडिया ही खेलना है शुरू में, मोटो सब कहता, पर नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब ये सब अचीव कर लूँगा मैं ये सब। अभी सीनियर टीम में लास्ट ईयर भी था तो दिक्कत होगी थोड़ी घर पे, प्रॉब्लम की वजह से मैं कैंप नहीं कर पाया वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन का और सैफ गेम्स का, तो मेरे को एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे करके फिर दोबारा से अब नाम आया, तो खुशी है इस बात की। अभी 3 महीना ट्रेनिंग करा था मैं नेवी की, उसके बाद ही फिटनेस की अभी हालत थोड़ी ख़राब है, अभी कैंप में जाके करेंगे थोड़ा बहुत क्या, पूरी ही मेहनत करनी है कैंप में, तो नंबर टीम में आना ही चाहिए, कोशिश तो यही रहेगी मेरी। एक वो चीज़ है आदत से बोलते हैं ना कि एक एवरेज प्लेयर को एक और मतलब एक एवरेज प्लेयर को ग्रेट प्लेयर बनना हो, अगर अच्छा प्लेयर बनना हो तो क्या चीज़ें हैं जो उसके मतलब गेम में डिफरेंसेस लाते हैं? गेम में डिफरेंसेस एक तो माइंड, सबसे पहले माइंड, अगर आपका माइंड गेम में रहेगा हमेशा, इधर उधर नहीं जाएगा, तो आप जल्दी मतलब जो आप दिन में प्रैक्टिस करते हो ना उसको रात में टाइम सोचना पड़ता है कि आज मैंने ऐसे किया है, इससे आज मेरे को बॉल डिफेंस नहीं हुई है, कल मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो हो जाएगी, ये कंटिन्यूसली माइंड में रहना पड़ता है, माइंड में जो चीज़ चलेगी वो बहुत जल्दी से। और एक डिसिप्लिन मेन सबसे 2-3 चीज़ें होती हैं जो एक एवरेज प्लेयर को अच्छा बनाते हैं, टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें, आप फिटनेस सबकी अच्छी होती है पर क्या होता है बाद में, टेक्निक्स काम आती है बाद में, किस टाइम कहाँ हिट करना है, किस टाइम ड्रॉप डालना है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं
जो गेम में मतलब डिफरेंस गेम में डिफरेंस क्रिएट करती है। मुझे एक चीज़ है मतलब आपको मतलब होता है ना एक प्लेयर को अपनी परख होती है, मतलब होता है ना कि अपना पॉजिटिव पता होता है नेगेटिव पता होता है, तो मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब मतलब बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में भाई आपका नाम बहुत हो गया और ऊपर वाले की दुआ टच हो भाई कि सब कुछ अच्छे अच्छे हो रहा है, जॉब हुई भाई, सीनियर नेशनल हुआ, इंडिया कैंप हो गया और ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि मेरी जो है माइनस है, मुझे थोड़ा पीछे खींच लेती है। पीछे ये था क्योंकि एक तो स्टार्टिंग पहले मेरा फर्स्ट पास काफी वीक था 2018 से पहले पहले 2018 में मैं बहुत वर्क किया फर्स्ट पास में, पर वो परफेक्शन अभी भी थोड़ा लूज लगता है मेरे को कहीं ना कहीं कि फर्स्ट पास थोड़ा सा 5-10% थोड़ा आता है कभी कभी। और जंप रीच मेरा स्टैंडिंग जंप है, तो मेरा ब्रॉड जंप थोड़ा कम है, स्टैंडिंग जंप है जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है अटैक के लिए। रीच ज़्यादा हो जाती है स्टैंडिंग, एकदम खड़े खड़े जंप कर जाना और भाग के एकदम क्विक मूवमेंट ज़्यादा है मेरा, तो उससे काफ़ी प्लस पॉइंट मिलता है मेरे को। ब्लॉक थोड़ा एडवांटेज है मेरे को। मतलब जब भी मैं जिस भी प्लेयर से आपके बारे में बात करता हूँ ना, मतलब यार वो मतलब एक चीज़ होती है ना, मतलब ना लोगों को पता क्या पसंद है, लोगों को थोड़ा पावर गेम पसंद है, बंदा ये चीज़ देखता है कि भाई ये बंदा पावर गेम है, शो वाला गेम होता है ये बंदा, मतलब ये मतलब गजब प्लेयर जिसको खेलना जिसको नॉलेज है गेम की वो ये चीज़ नहीं देखेगा, कोच नहीं देखेगा पावर है। अब पावर गेम ही होता है कि एक बॉल तो मार दी बहुत ही अच्छी और चार बॉल मार दी खराब, वो एक बॉल ही दिखती है बस, जो प्लेयर जो ऑडियंस देखती है ना वो यही देखती है एक बॉल कैसी लगी, जो कोच देखता है वो ओवरऑल ब्लॉक कैसा है, फर्स्ट पास कैसा है, पीछे डिफेंस कैसा कर रहा है, अटैक अगर जो अटैकर है ना जो रिसीविंग अटैकर है जो अगर उसका अटैक थोड़ा कम होगा और उसके रिसीवर पीछे डिफेंस ज़्यादा होगा तो वो प्लस है अटैक वाले से। 30% 40% अटैक है, बाकी पीछे फर्स्ट पास है 60%। वो एक साल के लिए मारते हैं फिर चले जाते हैं, जो पर टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो वो हमेशा साथ रहती है। भाई जब भी आपके बारे में बात चलती है तो भाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई जो प्लेयर है ना वो ओवरऑल एबिलिटी पे देखा जाता है, वो सिर्फ अटैक के बेस पे नहीं देखा जाता। मतलब जैसे अभी मैं हमेशा हिमांशु के बारे में एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई हिमांशु का भाई इतनी हाइट होने के बावजूद डिफेंस भी बहुत मजबूत है, पास अच्छा है, ब्लॉक तो माशाल्लाह एक नंबर है, तो और अटैक में क्या भाई जो आगे का जो गेम है जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे मतलब जो अच्छे लेवल पे गेम होता है उसमें भाई रीच का बहुत मैटर, रीच बहुत मैटर करता है क्योंकि आगे तो आपसे प्लस वाले ही 90% आप बराबर और आपसे प्लस वाले ही मिलते हैं। मतलब इंडिया के अंदर तो फिर भी ठीक है, आप बाहर कहीं जाओगे तो प्लस ही मिलेंगे, आपकी बराबर ही हाइट होगी सबकी, आपसे छोटा कोई ही होगा गलती से। इंडिया में होते हैं छोटे, वहाँ नहीं, 195 से ऊपर ही सब ब्लॉक करते हो, दो मीटर के करीब 200-205 ऐसे मिलते हैं सारे के सारे। अच्छा हिमाचल मतलब ऐसा होता है ना, एक ना मतलब होता है एक लेवल गेम होता है, मतलब जैसे आप ना मतलब अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, मतलब शायद आपके इनिशियल एज में होगा कि मतलब आदमी खेलता है अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है और फिर वो एकदम से आता है बाहर खेलने के लिए, जब वो बाहर खेलने जाता है तो तब उसे लगता है भाई ये तो खिलाड़ी ही अलग है, ये तो भाई गेम ही कुछ और है। आपकी लाइफ में कभी वो मोमेंट आया है? लगता है पहले स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, फिर धीरे धीरे उसका हैबिचुअल हो जाता है लोग कि हाँ ठीक है अभी बाहर जाना है। स्टार्टिंग में जब कोई फर्स्ट टाइम जाएगा ना घर पे खेलता, गांव में टूर्नामेंट बेसिक चीज़ ले लो, पहले गांव में खेलता है कोई लड़का वो खेलता है 100%, जैसे ही वो टूर्नामेंट में जाता है वो 70% पे आ जाता है अपने, बाहर इतनी ऑडियंस होती है, कोई हूटिंग करता है, और यूपी में आप खेलोगे तो आप हूटिंग तो भाई आपको इग्नोर करनी, कान बंद करके खेलना पड़ेगा वहाँ पे, तो जिसने बाहर ऐसे देख लिया पीछे ये मेरे को ये बोल रहा है वो बोल नहीं मारेगा, वो तो ख़त्म है। यूपी तो स्पेशली यूपी पूरा वेस्टर्न यूपी पूरा हद कर देता है हूटिंग, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर आए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, पर अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर बैठ गए खुद ही, नए पीक पे से आए और बाहर ऐसा कर दिया ना कि चलो भाई मैंने कहा भाई मेरे से नहीं खेल रहा मैं बाहर बैठता हूँ। भाई मैं एक चीज़ तो मानता हूँ भाई, अगर जो गांव का प्लेयर है भले टेक्निकली स्ट्रांग ना हो पर भाई मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होता है। भाई गांव में क्रिटिसिज्म ऐसा है ना बहुत बहुत, भाई लग नहीं रही, बहुत लग नहीं रही, एक ब्लॉक लग गया सोमे से, अभी कल की बात है, कल बहुत कल हुई है। स्टार्टिंग से कट।
अब जैसे यार कल की बात बात निकलने वाले अभी प्रैक्टिस नहीं आता 3 महीना से लॉकडाउन कभी कभी होता है डेली बेसिस पे नहीं खेल सकता कोई आदमी रोज उसी स्टेमिना से उसी पावर से प्रैक्टिस तो मैं तो नहीं ही खेल सकता अजीब सी लगी अगर देखा जाए ना अभी मतलब उत्तराखंड की चल मैं बात नहीं करता उत्तराखंड की बात नहीं करता पर तो कांचीपुर का ना प्राउड है मैं सीरियस बोल रहा हूं प्राउड इफ तेरे अलावा ऐसी कोई मेरे गांव में नहीं है आई थिंक और अगर इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा होगा कि वो गांव तेरे नाम से फेमस हो जाएगा तेरी अचीवमेंट से तो लोग बोलेंगे हिमाचल से आगे का होता है बंदे से खुशी खुशी है बात की कल वो दिक्कत हुआ था जीप में लगा के वो जान बूझ के वो मजे लेने के लिए करते हैं खाली वो हमेशा ही छोटी टीम के खिलाफ रहते हैं अगर मैं कहीं पे बाहर जाऊंगा मेरे गांव का वो ऐसे ही है अगर मैं कहीं बाहर जाऊंगा ना तो वो मेरे साथ है हमेशा गांव के अंदर वो कुछ भी करे मेरे साथ गांव के बाहर हमेशा कोई भी लड़कियां कार्तिक है मेरे गांव कार्तिक मोहन और काफी सारे हैं मेरा भाई है आशु गुंडा निकने में उसका वो है वो सब सामने मेरे कुछ ही बोले मेरे पीछे मेरी बुराई नहीं करे कभी वो मेरी रूटीन कर रहे हैं गाँव में खेलते हुए कल तो इसीलिए कि मजे के लिए थोड़ा इंजॉय हो जाएगा लेकिन जब बाहर जाऊंगा मैं गई टूर्नामेंट में आईआईटी रुड़की में टूर्नामेंट खेला सारे गए थे पूरा गाड़ी लेके ट्रैक्टर लेके पूरा फुल था उधर तो ठीक है भाई वो तो बड़ा टूर्नामेंट हो गया यहां जब वहां खेलने गए थे खंजरपुर भाई वहां पे कितने लड़के आ रखे हां वो सब देखने के लिए वो सब 15-20 सब जाते हैं टूर्नामेंट अगर लोकल में कोई टूर्नामेंट होगा तो मेरी साइड रहेगी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो खिलाफ रहे वो गांव में अलग एंजॉयमेंट है वो चलता है गांव में मैं भी पूरा अच्छे से नहीं खेल पाता हूं थोड़ा जब कभी लग जाता है मैच कभी पूरा तो तब खेला जाता है वैसे अदरवाइज गांव में थोड़ा नॉर्मल अच्छा ये एक्चुअली ये अगर नेशनल में अगर देखा जाए तो एक अच्छी टीम से खेलना मतलब कितना बड़ा प्लस हो सकता है एक आदमी के करियर के लिए अच्छी टीम अब मैं देखो अभी उत्तराखंड टॉप 8 टीम अलग होती है और बाद के नीचे की 16 टीम या 20 टीम अलग होती है उनमें जीतना पहले उनमें उनका मैच कोई अच्छे कोचेज वगैरह हैं वो नहीं देखते हैं ज़्यादातर अब किसी छोटी टीम का मिजोरम उत्तराखंड भी छोटी में ही आते हैं थोड़ी उनसे ठीक है तो उनका मैचेस देखने के लिए कोई गलती से कोई कोच चला गया तो चला गया टॉप 8 के मैचेस सब देखते हैं तो टॉप 8 में खेलना मतलब कि सबकी लाइट में आना नजरों में आना कोच के वहाँ आप खेल जाओगे आपका कैंप वहीं शो करना है तो टॉप 8 में ही टॉप 8 में बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि सबकी नजरें होती है टॉप 8 टीम्स में बाकी की 20 टीम्स या 24 जितनी भी टीम है 16 टीम या 16-20 होती है अप्रॉक्स उसमें खेलना कोई वो नहीं लगभग सारे आते हैं किसी की एक आधे की नहीं आती है टीम वो हो जाता है नहीं तो वही 20 टीम्स बढ़ती है नीचे कोई नहीं आती है कुछ भी हो जाता है वो अलग बात है अच्छा, और एक 2013 शायद 2013 के अप्रोक्स मेरा कुरुक्षेत्र साई में हुआ था तो पर मैं उस टाइम इतनी प्रैक्टिस का हैबिचुअल नहीं था बिल्कुल भी मुझे लगा कि ये तो गलत आ गया तो मैं उधर से छोड़ के आ गया तो वो भी एक गलत मूव था मेरा छोड़ना नहीं था उस टाइम मेरे को पर फिर भी उसके अलावा भी सब चीज़ अच्छे से ही हो रही है अभी तक कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया अब यार मैंने एक चीज पता नहीं क्यों मैं ये चीज मानता हूँ मेरा मतलब मेरा पर्सनली कहना है कि देख जो साउथ साइड है ना वो ना बहुत वो है देखा जाए कि बहुत डिसिप्लिन्ड है बहुत एजुकेटेड मिलेंगे बहुत टेक्निकल मिलेंगे टेक्निकल वहाँ पे स्पीड गेम ज्यादा है और मैं अगर देखा जाए ना अगर यहाँ पे अगर नॉर्थ में अगर कोई भी चीज चल रही है ना तो भाई वो है बंदे की जिंदा देखे यहाँ उधर है टेक्निकल गेम नॉर्थ है पावर गेम ये फर्क है उधर टेक्निकल स्पीड गेम है बहुत स्पीड मूवमेंट है सब चीजें इधर है पावर ऊपर खड़ी करो मारो यहाँ थोड़ा अब चल रहा है मतलब उस लेवल पे तो इंडियन टीम में जाएगा कोई भी नॉर्थ से तो वो तो स्पीड गेम ही उधर चलेगा वही गेम असली गेम वही है यहाँ पे थोड़ा पावर गेम एक खिलाड़ी 6 में से अच्छा है लोकल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ एक खिलाड़ी अच्छा है 5 ऐसे ही है चलो 10 बॉल 15 बॉल मैं खुद मारा हूँ कहीं कहीं टूर्नामेंट में हो जाता है कोई नहीं खेलता है मैं ही क्लिक कर रहा हूँ तो सेटर भी आंख बंद किए हुआ है चलो भाई चल हिमांशु चल हिमांशु हिमांशु नहीं टूर्नी बोलता मेरे को वैसे तो वही चल चल ऐसे बहुत सारी YouTube पे वीडियोस हैं उसमें जो वीडियो बना रहा है उसकी कमेंट्री एक वीडियो डाली भी है मैंने वो अलग ही वो लेवल ही अलग है 2,500 लोग चारों तरफ आपको चीयर कर रहे हैं पर टचवुड की किसी ने आज तक वोटिंग नहीं किया है एक आदमी पर कभी हुई हो तो अलग बात है वैसे मेरे याद नहीं है मेरे खिलाफ वोटिंग हुई हो कभी तो गाँव में ही होती है बस मेरे बाहर नहीं होती है मतलब काफ़ी खेला भी काफ़ी है सारे लगभग
यूपी के कुछ साल तो सारे ही कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जो खेला नहीं है, तो टच की जीते भी लगभग 90% टूर्नामेंट जीते हैं। आपको जैसे इतने मतलब बोलते हैं ना कि मतलब कोई चीज अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मतलब ना उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। भाई अब आपने इतनी बार जीत लिया, इतनी बार भाग लिया, तो ऐसा कभी लगता है कि हाँ यार अब ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो मतलब नहीं है कि ज्यादा इम्पोर्टेंस, इस किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस खत्म हो सकती है, जीतने की इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं है। जितना भी को जीतो, बस जब भी हारेंगे तभी दुख होगा, इसलिए जीतना तो कंपलसरी है ही। नहीं होता है, कभी कभी कुछ कमियां रह जाती है, तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करो, फिर से आओ। दो चार टूर्नामेंट हुए जिसमें मैं काफी गंदा खेला, तो मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये भी होता है, ये भी होना भी चाहिए, होना चाहिए। तभी लोग मतलब ये होना चाहिए कि मैं फ्री हो जाता हूँ काफी, यार ये भी जीत गई, ये भी जीत गई, नहीं होना चाहिए। बीच में एक आधी हार होनी चाहिए, बहुत गंदी होनी चाहिए, जिससे वो थोड़ा लाइन पे आए फिर से कि हाँ प्रैक्टिस करनी है, ये डाउन हो रहा है, ये टेक्निकल नहीं हो पा रहा है, चीज़ मेरे से जरूरी है। हाँ वो बीच बीच में लगनी चाहिए। हाँ अभी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करो। जैसे मैं कल था, आज मैं हूँ और कल इससे बेटर होना है मेरे को। ये अगर करके चलोगे तो हमेशा अचीव गुड, अच्छा ही रहोगे हमेशा।